Yes, students, a very warm welcome to the class today. That is your English class. And in today's class, as you all can see on the screen, it's written chapter number 4, Landscape of the Soul. So this is the chapter that we are going to start today. So Landscape of the Soul, it's a very interesting chapter as it presents a comparison. And whenever we study a comparison, of any two things. Comparison is between two things. So whenever we study a comparison between two things, it sounds very interesting, and it not only sounds, it is very interesting. So this comparison that we are today going to do in this chapter is the comparison between type of arts. That is, on one hand we have European art and on the other side we have Chinese art. ओके सो यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंगली इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल. सो नाम से अजीब लग रहा है बिकॉज हमें क्या है ना दैट वो जैसे एक डेली सोप्स में मजा आता है ना वैसे ही हमें जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वी रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग अगर हम कुछ बहुत ही मजेदार सी स्टोरीज पढ़ लेते हैं विद सो मेनी कैरेक्टर्स. थोड़ा सा इस तरह से एक डिस्क्रिप्टिव एक लिटरेटिव चीज आ जाती है ना तो वो थोड़ी सी हमें बोरिंग लगती है. बट समटाइम इफ द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग तो हमें उसको पढ़ने में मजा आता है. दिस पर्टिकुलर चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नेम आप इसको कुछ भी समझ लो बट एक्चुअली इट्स अ स्टोरी ऑफ कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट एंड द वे इट्स प्रेजेंटेड द एग्जांपल्स दैट आर गिवन ओवर हियर रियली मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो सी अभी हम इसको देखेंगे अच्छे से. ओके सो देखो ये चैप्टर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट गिव यू द चैप्टर स्केच देन आई लेट यू नो अबाउट द कैरेक्टर्स एंड देन वी विल मूव टू द समराइजेशन ऑफ द चैप्टर फिर हम इसके टेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे. हम कोई भी चैप्टर करते हैं हमारे उस चैप्टर का टेक्स्ट तक पहुंचने से पहले हम हमेशा 3 स्टेप्स क्लियर करते हैं. फर्स्ट इज द चैप्टर स्केच दैट वी ऑलवेज डू. Second is about the characters that we always do, and third is basic conceptualization of the chapter that is important for us to understand. And after that, we move on to the text. वरना क्या होता है सीधे टेक्स्ट पढ़ लो आप लोग अरे ये क्या है ये कौन था ये कौन है अब क्या होगा ऐसा क्यों हुआ अब अल्टीमेटली जाके एंड में क्या होगा. सो इट्स बेसिक चीजें अगर पहले से क्लियर होती है देन इट इज इंटरेस्टिंग कि आपको जो टेक्स्ट जो आप पढ़ते हो ना वो कितना भी टिपिकल हो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो. ठीक है. सो द चैप्टर स्केच ऑफ दिस स्टोरी द लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय मिथाली टाउरी इसने इसमें क्या कहा है. हियर द राइटर कॉन्ट्रास्ट चाइनीज आर्ट विद यूरोपियन आर्ट. चाइनीज आर्ट को यूरोपियन आर्ट से कॉन्ट्रास्ट किया गया है बाय रिकाउंटिंग टू स्टोरीज. इन्होंने दो स्टोरीज दी है हमें यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट छोटी छोटी स्टोरीज है बट वेरी इंटरेस्टिंग वंस अबाउट चाइनीज आर्ट. किसके बारे में दो स्टोरीज है चाइनीज आर्ट के बारे में एंड वन स्टोरी अबाउट द यूरोपियन आर्ट एंड वन स्टोरी इज देयर अबाउट द यूरोपियन आर्ट. सो मेनली हाउ मेनी स्टोरीज वी आर गोइंग टू दैट इज छोटे छोटे एक इंसिडेंटल स्टोरीज है जो हम इसमें पढ़ेंगे. देयर आर 3. द यूरोपियन वांट्स अ परफेक्ट लाइकनेस वेयर एज इन एशिया आर्ट इज द एसेंस ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट. जो यूरोपियंस होते हैं ना दे वॉन्ट अ परफेक्ट लाइकनेस उन्हें एक परफेक्ट लाइकनेस चाहिए होती है. ठीक है. Whereas, जो एशियन आर्ट होती है उसके अंदर लाइफ एंड स्पिरिट का एसेंस चाहिए होता है. मतलब एक तो होता है जिसको सिर्फ रंग बिरंगे बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं वो चीज बहुत पसंद आ जाती है. एक होता है जो उसकी पूरी थीम तक जाता है. दिखने में वो कितनी भी अनइंटरेस्टिंग हो लेकिन अगर उसकी थीम या उसका मीनिंग जो वो प्रेजेंट कर रही है इफ दैट इज इंटरेस्टिंग द थिंग साउंड्स इंटरेस्टिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है. सो चाइनीज आर्ट के लिए क्या चाहिए होता है. Chinese art says that we really want the active participation of the viewer both physically and mentally to understand. European art is just to look on. European art कहती है दिखने में जो चीज सुंदर है it's beautiful. But Chinese art कहती है I want my viewer to have his art in active participation. That is वो physically भी present हो to look on the painting or look on the art piece. And mentally also should be present there so that he or she can understand it well. So उन्हें एक deep inside participation of the viewer चाहिए. And वहीं पे European क्या कहते हैं? I want to have a good person that who should have a good looking perspective. That is it. अगर उसको देखने में मेरी चीज पसंद आई है, तो my thing is going to be a perfect one.
तो ये उनका एक दोनों का पर्सपेक्टिव. सो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. एंड दिस कंपैरिजन में द इंटरेस्टिंग थिंग इज क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है दैट जो हमारे यहाँ पे जितनी भी आर्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी आर्ट है, चाइनीज एंड यूरोपियन. एंड द मेन थिंग इज कि जो चाइनीज आर्ट है उसकी हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे यहाँ पे, और जो हमारी यूरोपियन आर्ट है उसकी हम कितनी स्टोरीज पढ़ेंगे यहाँ पे, एक स्टोरी पढ़ेंगे. एंड विद दीज थ्री स्टोरीज आई थिंक द होल चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजीली अंडरस्टूड बाय यू. ओके, सो सी दिस वॉज द मेन चैप्टर स्केच. नाउ वी मूव ऑन टू द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स में यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स आएंगे. वन इज द व्यू डेजोय. व्यू डेजोय इज बेसिकली अ चाइनीज आर्टिस्ट. ठीक है, व्यू डेजोय कौन है, एक चाइनीज आर्टिस्ट है हु मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पेंटिंग्स. नाउ इसमें जो आप स्टोरीज पढ़ोगे ना, फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग रियलिज्म. दैट इज पेंटिंग कैन प्रेजेंट अ वेरी डेलिकेट रियलिज्म. पेंटिंग्स इतना डेलिकेट रियलिज्म दे सकते हैं कि देयर इज अ पेंटर, उन्होंने एक छोटी सी एक फ्लाई ड्रॉ की बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू ड्रॉ वेरी वी कैन से वेरी ग्रेट पिक्चर्स और थिंग्स. उन्होंने एक छोटा सा एक फ्लाई ड्रॉ किया एंड द अदर आर्टिस्ट हु केम देयर वो उस फ्लाई को उड़ाने की कोशिश कर रहा है. सी हाउ रियल दैट वेरी मिनिएचर, छोटी सी एक डेलिकेट सी फ्लाई उसको कितनी रियल लगी कि वो उसको बहुत देर से उड़ा रहा है, वो उड़ी गई. देन ही रियलाइज की ओ एक्चुअली दिस इज द पेंटिंग. So this is what, this is the delicate realism. Okay, so delicate realism basically painting में आते हैं. So first character जिनके बारे में हम जो basically story का ही part होंगे, Vu Dezhoy. Now ये क्या थे, 18th century Chinese landscape painter थे. He disappeared inside his last painting. इन्होंने जो अपनी last painting बनाई ना, ये उसके अंदर ही disappear हो गए. Okay, you find it interesting कि अपनी पेंटिंग में कैसे कोई डिसअपियर हो सकता है ना, वो अपनी पेंटिंग में ही क्या हो गए, खो गए, उसके बाद कभी नहीं मिले. नोबडी नो वेयर ही इज, वो कहां चले गए. नो सेकंड जो कैरेक्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आएंगे एम्परर जुआनजोंग. एम्परर जो जुआनजोंग थे ही एडमायर्ड डेजोय्स पेंटिंग बट वॉज नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट. जुआनजोंग ने क्या किया, एडमायर किया डेजोय की पेंटिंग्स को बट ही वॉज नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं थे. देन थर्ड कैरेक्टर आते हैं क्विंटन मैक्सिस. ना क्विंटन मैक्सिस कौन थे, ही वॉज अ 15th सेंचुरी बेल्जियन ब्लैकस्मिथ हु चेंज्ड हिज प्रोफेशन टू बिकेम अ डेलिकेट रियलिस्ट पेंटर एंड मैरी द वुमन ही लव. अब वो कौन थे, वो 15th सेंचुरी बेल्जियन ब्लैकस्मिथ थे. एंड वो क्या करते थे, ही जस्ट चेंज दिस प्रोफेशन, वो ब्लैकस्मिथ से एक पेंटर में चेंज हो गए. ही चेंज दिस कैरेक्टर हिज प्रोफेशन टू बिकम अ डेलिकेट रियलिस्टिक पेंटर, वो एक रियलिस्टिक पेंटर बनना चाहते थे. व्हाई, बिकॉज ही वांटेड टू मैरी द वुमेन ही लव. एंड द वुमेन ही लव वॉज द डॉटर ऑफ अ ग्रेट पेंटर, जो अपने सन इन लॉ के रूप के अंदर वो कभी भी एक, जो हम बोलते हैं ना ब्लैकस्मिथ को, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड अगर उनका सन इन लॉ कोई पेंटर हुआ तो वो ऑन द फर्स्ट हैंड रेडीली एक्सेप्ट करेंगे. दैट इज वाई टू मैरी द लव ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने क्या किया, क्विंटन मैक्सिस ने अपना प्रोफेशन चेंज किया एंड वो ब्लैकस्मिथ से क्या बन गए, पेंटर बन गए. ओके, सो नाउ सी, नाउ लैंडस्केप ऑफ द सोल. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो सी, ये चैप्टर एक कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ यूरोपियन and Chinese painting and it touches upon various subtitles of reality and art. Art hume pata hai is one of the form of expression jaise ki poetry, music and dance and the painting too. And ye jo forms hai na of expression, inka ek abstract nature hota hai as they can be defined and have to be felt or experienced. Now is chapter ke andar three main areas of discussion hai. First is the anecdotes related to Chinese and European paintings. Then we have Taoism and how one of the philosophical doctrine of Taoism called Shanshui. Ye and how this Shanshui is reflected in the Chinese painting. So ye sari cheeze hum isme mainly three part pe hum isko study karenge. Now ye jo anecdote jo humne abhi bola, anecdote about the Chinese painter, wo anecdote kya tha, that 8th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, अ चाइनीज एम्परर जुआनजोंग ने कमीशन किया अ पेंटर हुज नेम वाज व्यू डेजोय टू पेंट अ लैंडस्केप. कि एक पेंट करो एक लैंडस्केप,
When the painting was ready, जब painting ready हो गई, the emperor was invited to appreciate it. Emperor को बुलाया गया that please do come and appreciate this great art piece of painting. He enjoyed looking at the forest, high mountains, waterfalls, clouds, men on hilly paths, bird in the flight, etc. depicted in the painting. Now इन्होंने खूब enjoy किया. Looking at the forest, high mountain, waterfall, cloud, men, hilly path, bird in the flight. ये सब चीजें पेंटिंग में बहुत ही बखूबी इसको डिपिक्ट किया गया था एंड ही रियली एंजॉयड लुकिंग एट इट. बट द पेंटर वाज नॉट सेटिस्फाइड. पेंटर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे एंड ही इनवाइटेड द अटेंशन ऑफ एम्परर टुवर्ड्स अ केव इन द पेंटिंग. नाउ अब वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एम्परर थे ना उनकी एक हम जो बोलते हैं ना उनकी एक अटेंशन किस तरफ इनवाइट की, टुवर्ड्स अ केव जो पेंटिंग के अंदर एक केव ड्रॉ कर रखी थी उसमें. इनसाइड विच द पेंटर सेड, जिसके अंदर पेंटर ने क्या कहा, रिसाइडेड अ स्पिरिट. और पेंटर ने बोला सर देखो महाराज ये एक केव है और इसके अंदर क्या है, एक स्पिरिट है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हैंड्स क्लैप किए कॉजिंग द एंट्रेंस टू द केव. अब जो एंट्रेंस जो थी वो केव की खुल गई. Then the painter said, inside is splendid. Painter ने क्या बोला, अंदर से केव बहुत splendid है. Beyond anything words can convey. मैंने बोला इतना splendid है कि हम words से भी वो चीज convey नहीं कर सकते. And please let me show your majesty the way. And please come with me and I'll show you the way to the cave, my majesty. And painter जो था, he entered the cave and disappeared. और painter cave में enter हुआ and got disappeared. Cave door closed and the painting disappeared from the wall. जैसे ही cave door closed हुआ, painting disappear हो गई from the wall before the emperor could move. इससे पहले कि emperor move कर पाता, the painting was, the door of the cave was closed and the painting disappeared. And that is why it is said, ऐसा कहा जाता है कि जो Chinese painting थी ना ये वाली Liu Dezhoi वाली, तो जो Liu Dezhoi खुद जो एक painter थे ना, he just got disappeared in this last painting of his. और उसके बाद में वो कभी किसी को नहीं मिले. ओके, सो ये क्या था, ये एक एनेक्डोट था किसके बारे में, चाइनीज पेंटिंग के बारे में. अब ऐसा ही एक एनेक्डोट दिया है यूरोपियन पेंटर क्विंटन मेटसिस के बारे में. नाउ ये भी मैं आपको बता देती हूँ, देन उसके बाद में हम फिर आगे मूव करते हैं. 15th सेंचुरी एक बेल्जियन ब्लैकस्मिथ थे हुज नेम वाज क्विंटन मेटसिस. ही फेल इन लव विद हू, विद अ पेंटर्स डॉटर. Now knowing that her father could not accept him because of his profession, वो जानते थे that उनके father उनको accept नहीं करेंगे, is not going to accept him as his son-in-law because of his profession. So that is why वो बहुत ही secretly enter हुए एक painter के studio में. And after entering that studio, what he did? He painted such a realistic fly on the artist's panel that the master tried to swat it. Swat it means उन्होंने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की. But before he realized that it was not real, उनको जब तक ये realize नहीं हुआ ना that it was real, तो continuously उसको हिलाते हैं, but नहीं कुछ हो पाया. Quentin was accepted by the master as an apprentice. Quentin को accept कर लिया गया by the master as an apprentice. मतलब उन्होंने बोला नहीं, he is a nice person, he has drawn such a realistic fly, he is the article of something higher grade. So उन्होंने उसको accept कर लिया, married his beloved and soon became famous for his realism in painting. And वो क्या हुआ? Finally he got married to the emperor's daughter. उनकी daughter से उनकी शादी हो गई. And that is we can say that he married the love of his life and he soon became famous for his realism in the painting. So this way. ये जो थी एक अनदर एनेक्डोट था रिगार्डिंग द यूरोपियन पेंटर. ठीक है, सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर चाइनीज पेंटिंग्स. दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एज दे कैन नॉट बी डिफाइंड एंड हैव टू बी फेल्ट और एक्सपीरियंस. दैट इज व्हाई चाइनीज के लिए क्या कहा जाता है, जब चाइनीज पेंटिंग के जो ऑनलुकर्स होते हैं ना, जो उनके हम बोलते हैं जो उनके व्यूअर्स होते हैं, उनको कैसा होना पड़ता है, उन्हें ऐसा होना पड़ता है कि वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से वहां प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो जाकर के कहीं उस पेंटिंग की गहराई को समझ पाएंगे. इन कॉन्ट्रास्ट लेकिन यूरोपियन पेंटिंग जो होती है उसमें सिर्फ इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस चाहिए होती है, दैट इज एक लुकिंग चाहिए होती है और कुछ भी नहीं.
Now Chinese painter you so this their contrasting nature jo hai is explained through the anecdotes. Now what are the anecdotes? That Chinese painter viewed the Zoe Jyoti, he disappeared inside his own painting. Another is a Chinese painter who did not want to paint the eye of the dragon just for the fear ki wo dragon agar us dragon ki aankhein bana di to dragon mujhe dekh lega aur wo aakar ke mujhe kha jayega, attack karega. थर्ड जो एनेक्डोट था रिलेटेड टू द यूरोपियन पेंटर वो ये था यूरोपियन जो बेल्जियन यूरोपियन पेंटर थे क्विंटन मेट्सिस ही पेंटेड अ रियलिस्टिक फ्लाई जस्ट टू मैरी द वुमन ही लव्ड. अ चाइनीज पेंटिंग बेस्ड होती है ऑन द फिलॉसफी ऑफ डाओइज्म जो ये बोलती है दैट लाइफ हैज नो मीनिंग अनलेस वी अंडरटेक द इनर एंड स्पिरिचुअल जर्नी. नेक्स्ट इज द चाइनीज पेंटर जो है वॉन्ट्स द व्यूअर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन नॉट फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल while viewing the painting. According to the Taoism, the interaction of two complementary poles, yin and yang, makes the universe. Yin is feminine and yang is the masculine. So these together, what do they make the universe? Man is the medium of communication, it's said, between the two complementary poles, and that is their meeting point, and you can see his presence too in the Chinese painting. Aur aap iski presence dekh sakte ho in the Chinese paintings. Okay, so this is ultimately said. To isme ek term aayegi that what is Taoism. So ye jab hum Taoism pe aayenge, that time we are going to understand it nicely. So you all know that yahan pe basically jo main cheez hai wo hum padhenge, the contrast between the view of Chinese art with the view of European art. So Chinese view of art hame kya kehta hai? To achieve the sense of inner life and spirit, and view the Zoe ki painting jo yahan explain ki gayi hai, it's a very good example. European view of art kya kehta hai? To create illusionistic likeness, and jo fly jo uske andar banayi gayi hai, Quinton Metsys ka jo fly wala anecdote hai, that is the example of European paintings. ओके सो सी यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया है टेल्स टी ए एल ई एस वन इज टी ए आई एल वो नहीं यहाँ पे दिया गया टी ए एल ई एस सो व्हाट डज दिस टेल्स मीन ओवर हियर इट मींस दैट सच स्टोरीज द आईज दैट अबाउट यू डेजॉय आर वेरी कॉमन इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन एंड इट वॉज थ्रू सच स्टोरीज दैट ग्रेट मास्टर्स मेड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट. ये जो टेल्स है ना ये रिवील करती है दैट आर्ट हैज इनर लाइफ मीनिंग एंड सोल. सो जो हमने यहाँ पे क्विंटन मेट्सिस की स्टोरी पढ़ी जो व्यू डेजॉय की पढ़ी ये सारी हुई है. सो द सेम होल्ड गुड फॉर द स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग लाइकनेस ऑफ अ ड्रैगन टू रियल वन व्हिच प्रिवेंटेड अ चाइनीज पेंटर फ्रॉम ड्रॉइंग एन आई एंड ही फेल्ट दैट इफ ही ड्रॉ द आई ड्रैगन इज गोइंग टू सी मी एंड इज गोइंग टू कम आउट एंड अटैक ऑन मी. तो ये क्या है किस्से और कहानियां. तो ये कहानियां हैं बेसिकली इन्हें हम टेल्स कहते हैं. कहीं ना कहीं इन कहानियों के थ्रू हमारे पास बहुत डीपर इम्पैक्ट्स आ जाते हैं बहुत डीप मीनिंग्स आ जाते हैं तो ये सारी चीजें पढ़ पाते हैं. डू रिमेम्बर दैट इन योर लास्ट क्लास हमने टी फ्रॉम आसाम एक चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ वो थी टेल्स थी लाइक टी से रिलेटेड थी कि टी कहाँ से आई टी कैसे बनी. ध्यान है आप लोगों को रिलेटेड टू द टी इट वॉज दैट एक वो थे वी कैन से साधु थे वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही वॉज इन मेडिटेशन एंड ही स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी. तो उन्होंने क्या किया ही जस्ट कट ऑफ द आईलिड्स और वो आईलिड्स जहां जहां पे गिरी उससे प्लांट ग्रो हो गया एंड द लीफ ऑफ दैट प्लांट बेसिकली एक दिन उन्होंने बॉइल कर दी पानी में और जब उन्होंने पी करके देखा उसको तो वो कैसा था दैट वॉटर जो उन्होंने पिया इट वॉज फ्लेवर्ड वेरी नाइस एंड उसको पीने के बाद में उनको उनकी लेजीनेस भी खत्म हो गई. सो दैट टाइम ही रियलाइज दैट यस इफ दे आर द टी लीव्स. तो ऐसे करके हमारी टी से रिलेटेड भी बहुत से ऐसे हैं. एक ये था एंड अनदर वॉज आई थिंक वो ऐसे कहा गया था कि एक बार कहीं पे पानी बॉइल हो रहा था एक फॉरेस्ट में एक मैन था ही वाज बॉइलिंग द वॉटर एंड सडनली कुछ हवा से उड़ करके कुछ पत्ते उनके बॉइलिंग वाटर के अंदर आ गए सो उसने एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे दिया उसको एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट्स नोन एज टी लीव्स. सो ऐसे क्या है ये स्टोरीज हैं जो कहीं ना कहीं एक पुरानी चीजों के साथ कनेक्टेड होती है. सो हियर ऑल्सो इट हैज अ वेरी गुड कनेक्शन विद द थिंग एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कनेक्शन. वहां ये बोला गया है कि जो स्टोरीज हैं यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से हमारी थीम के साथ जा रही हैं
that is related to the painting, and it's very well explaining the meaning of actual painting is. So now we come to the next topic, that is basis of Chinese painting. अब आपको पता है Chinese painting जो है वो क्या बोलती है, path or way, that is a way into the mystery of the universe. That यहाँ पे painting क्या है, it is a way, way to what? It is a way into the mystery of the universe. And emperor जो थे, may rule over the territories, but the artist alone knows the way within. वो territory को तो rule कर सकते थे, but artist की कलाकारी तो सिर्फ artist तक ही रहती है, वो कहीं और भी नहीं की जाती. Okay, he wants our active participation. Chinese painting कहती है that people should actively participate, not only physically but also mentally. And ये जो landscape है ना, is not a copy of the real landscape, and it is a representation of an inner reality, a spiritual and conceptual space. Okay. Now last comes what is Taoism. Taoism basically क्या है? Now you should know. आपको समझना पड़ेगा that what the Taoism means. Now according to Taoism, कहा जाता है this universe is composed of two complementary poles. One is Yin and the second is Yang. Yin means the feminine and Yang means the masculine. So the interaction of these two energies, it makes the universe, the meeting point called the middle void, also hold great significance. Though it is often overlooked, ऐसा कहा जाता है जिसे अगर हम comparison करते हैं ना yogic practice of pranayam के साथ में, breathe in, retain and breathe out, ये उस पे काम करता है. ठीक है, the retained part is the middle void where meditation occurs. So this void is essential. Nothing can happen without it. जैसा कहा जाता है ना कि थोड़ा सा सोचो हर चीज के बारे में, meditate करो and the solution will be in your front. So he says that Taoism जो है, इस universe में it's composed of two terms, that is two poles, Yin and Yang. So ये जो Yin and Yang थे, तो what is going to happen with this? तो Yin जो थे वो feminine थे और Yang जो थे वो masculine थे. The interaction of these two energies makes the universe, and meeting जो थी इन दोनों की is known as the middle void, and this middle void holds great significance. Though इसे हम often overlook कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते इसकी तरफ, we never take care of it, हम परवाही नहीं करते इसकी, but still what happens, we have to see it, we should not overlook it, and this can be compared with the yogic practice overlook, and this can be compared with the yogic practice of pranayam. Pranayam kya kehte hai, breathe in, saans roko, and breathe out. The retained part of jo bacha hua jo part hai wo kya hota hai, the middle void, jahan pe meditation hoti hai. This void is essential, nothing can happen without it. In Taoism, ek landscape hai is called san shui. San means mountain and shui means water. So however it does not represent a real landscape, iska kya hai, iska ek Taoist view hai universe ka to understand. And ye jo Chinese painting hai, one must understand Taoism. So mountain and water in the Chinese painting represent karte hain kya, sanctuary ko, and unpainted space represent karti hai the middle void ko, where the interaction between Yin and Yang takes place. Man is a medium of communication, we know, between the two complementary poles of the universe, and you can see his presence too in the Chinese painting. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है ये जो दो, इसमें हमने बोला Yin and Yang, आपने कभी भी एक चीज देखी होगी, आपने पेंटिंग देखी होगी, वहां पे एक लेवल तक पूरा ग्राउंड दिखता है, ग्राउंड से जिस पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ों से मुझे एक बात बताओ, क्या बीच में कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है क्या स्काई दिखाने के लिए? नहीं, ऊपर पीछे ब्लू पेंट कर दिया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि स्काई एंड माउंटेन्स आर टचिंग ईच अदर, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये सिर्फ दिख रहा है, इसके बीच के अंदर भी एक बहुत ही हॉलो स्पेस बाकी है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग जो होता है वो एक कम्युनिकेशन जो सेट करता है ना, वो कम्युनिकेशन बिठाने वाला कौन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द यूनिवर्स में जो एक हम बोलते हैं कम्युनिकेशन लेकर के आता है, वो कौन लाता है, दैट इज बेसिकली ब्रॉट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यिन एंड यांग, एंड यू सी हिज प्रेजेंस टू इन द चाइनीज पेंटिंग, और इसकी प्रेजेंस आप चाइनीज पेंटिंग में भी देख सकते हो. चाइनीज पेंटिंग कभी दिखते ही समझ में नहीं आती, चाइनीज पेंटिंग को समझने के लिए आपको बहुत ही डीप थॉट्स चाहिए होते हैं, डीप थिंकिंग आपको चाहिए होती है. ठीक है, सो दिस वॉज द, वी कैन से ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन था इस पूरी स्टोरी का.
Okay, students, so this is all for the class today. Go through the text and we'll understand and explain the text in our next class. For this class, we have done the conceptualization. We have studied about the character sketch. We have taken the introduction of the chapter. We have studied about the two art forms, that is Chinese and European. And along with that, humne aur kya padha aaj? What we studied today was the main, we can say, the character sketch of the characters, chapter sketch of the chapter, and along with that, conceptualization of the chapter have been done in this class along with the introduction of the chapter. So in tomorrow's class, we'll continue with the text. Till then, just take care of yourself, and this is all for our class today.